अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज हम इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएबल एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। इससे पहले हमने डिफरेंस कैसे करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो सुनी है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाई है पूरे इनकम टैक्स नोट्स की, उसका लिंक दे दिया है, स्टूडेंट वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर ऑब्सोलेसेंस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएबल एसेट कौन से हैं? द एसेट ऑन विच द फिनोमेना ऑफ डेप्रिसिएशन वर्क्स आर कॉल्ड डेप्रिसिएबल एसेट। एवरी एसेट इज नॉट कंसिडर्ड डेप्रिसिएबल। कंडीशन फॉर डेप्रिसिएबल एसेट क्या होंगी? फॉर डेप्रिसिएबल एसेट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ होनी चाहिए। लाइफ टाइम ऑफ एसेट। फर्स्ट कंडीशन फॉर डिप्रिसिएबल एसेट इज डैट इट्स लाइफ टाइम मस्ट बी मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। सच एसेट आर सब्जेक्टेड टू डिप्रिसिएशन, यानी उनकी जो एज है वो मोर देन वन ईयर होनी चाहिए। वियर एंड टियर ऑफ ऑब्सोलेसेंस, वियर एंड टियर रिजल्ट द फिजिकल चेंज इन एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड ऑब्सोलेसेंस इज चेंज इन एनी एसेट ड्यू टू टेक्नोलॉजी। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्सोलेसी एसेट बिकम आउट ऑफ डिमांड एंड आउट ऑफ फैशन, तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। और बिजनेस यूज ऑफ एसेट, अनदर कंडीशन फॉर डिप्रिसिएबल एसेट इज डैट इट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज, इट शुड अर्न समथिंग फॉर द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो तीन पॉइंट हैं, एक है कि वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए यूज़ हो, फिर वो वियर एंड टियर ऑब्सोलेसेंस हो, और बिजनेस यूज़ ऑफ एसेट हो। फिर टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस कितने हैं हमारे पास? नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर अलाउंस, और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या होगी? मोस्टली नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डिप्रिसिएबल एसेट। हाउएवर ऑर्डिनेंस हैज़ प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक रेट फॉर वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस। बिल्डिंग के लिए 10% है, फर्नीचर के लिए 15% है, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 13% है, एंड एक्सेट्रा डिफरेंट रेट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक पे। इनिशियल अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन इन ऑर्डर टू गिव एन इंसेंटिव टू द पीपल टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्री एंड स्टार्ट न्यू बिजनेस, द कंसेप्ट ऑफ इनिशियल डेप्रिसिएशन वाज इंट्रोड्यूस। उसके लिए क्या पॉइंट है? नंबर वन, एसेट मस्ट बी डेप्रिसिएबल। इनिशियल अलाउंसेज इज प्रोवाइडेड ओनली अगेन डेप्रिसिएबल एसेट, द एसेट विच फुलफिल द कंडीशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। फिर ईयर ऑफ अलाउएबिलिटी, इनिशियल अलाउंस कैन बी क्लेम ओनली इन द ईयर इन विच द एसेट इनपुट इनटू ऑपरेशन, नॉट ईयर इन विच इट वाज परचेज। रेट ऑफ इनिशियल अलाउंसेज, द रेट ऑफ इनिशियल अलाउंसेज स्पेसिफाइड बाई ऑर्डिनेंस इज 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, ओनली द ओनर कैन क्लेम अलाउंसेज। इन केस ऑफ लीजिंग एसेट, इफ एनी एसेट इज लेस, ये क्या है, लीज फ्राम लीजिंग इंस्टीट्यूट और बैंक एक्सेट्रा, दैन द रियल ओनर ऑफ एसेट कैन क्लेम इनिशियल अलाउंसेज। ट्रांसपोर्ट नॉट यूज फॉर हायरिंग और रोड ट्रांसपोर्ट विच इज़ नॉट यूज फॉर हायरिंग पर्पज कैन नॉट क्लेम इनिशियल अलाउंसेज इस्पेक्टिव ऑफ फुलफिलमेंट द कंडीशन। ओनली न्यू एसेट जो होते हैं, द एसेट विच ऑलरेडी यूज इन प्रीवियस बीन यूज इन बिजनेस कैन नॉट क्लेम सच अलाउंसेज, मतलब वो इनिशियल अलाउंसेज क्लेम नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट गिव सच इंसेंटिव ओनली टू न्यू एसेट और सेकेंड हैंड इम्पोर्टेड एसेट्स, यानी सेकेंड हैंड तब वो सेट करती है अगर वो बाइक से आपने इम्पोर्ट कराए हैं। वन मेथड एट अ टाइम, द एसेट विच आर ऑलरेडी इंजॉइंग डेप्रिसिएशन अलाउंसेज अंडर अदर मैथड कैन नॉट क्लेम इनिशियल अलाउंसेज। ओनली वन मैथड इज एप्लीकेबल एट अ टाइम, फर्नीचर एंड फिटिंग। इनिशियल अलाउंसेज कैन नॉट बी क्लेम ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्स्ट ईयर अलाउंसेज क्या होता है? गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड दिस अलाउंस टू प्रमोट द इंडस्ट्री इन नेचुरल एंड अंडर डेवलप रूरल एंड अंडर डेवलप एरियाज। फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर फर्स्ट ईयर अलाउंसेज, ओनली इन रूरल एरिया, आपके देहाती इलाकों के लिए है। नॉट क्लेम ऑन व्हीकल, व्हीकल्स के ऊपर आप नहीं ले सकते, गाड़ियों के ऊपर। रेट ऑफ इनिशियल अलाउंसेज 90% ऑफ इट्स कार्स हो सकता है ये। और इम्प्लीमेंटेशन, द एसेट मस्ट बी पुट इनटू ऑपरेशन आफ्टर July 1, 2008 एंड ओन्ड बाय अ कंपनी। फिर फोर्थ है एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन अलाउंसेज, दिस अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू दोज इंडस्ट्री एंड कंपनीज विच आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट एनर्जी। द बेसिक पर्पज ऑफ दिस अलाउंस इज टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। फॉलोइंग आर कंडीशन फॉर द अलाउंसेज, अ
एनर्जी सेक्टर के लिए होना चाहिए. दिस रेट इज़ अप्लाइड ऑन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट इंस्टॉल पर जनरेशन ऑफ अल्टरनेट एनर्जी. एनीवेयर इन पाकिस्तान द एसेटर मशीनरी कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर इन पाकिस्तान आइदर इन रूरल और इन अर्बन एरियाज. रेट ऑफ एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, द रेट ऑफ एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन इज 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट. तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन कि डेप्रिसिएबल एसेट कौन से होते हैं और उनकी कंडीशन क्या होती है. अगला क्वेश्चन होगा व्हाट आर द अलाउएबल डिडक्शन अंडर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप मज़ीद वीडियो सुनना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कम पार्ट टू का इनकम टैक्स का है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.